हेलो, हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, आरओ और बिहार वाले। तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन नए मिलते रहते हैं, तो उनको आप लिख लिया करिए किसी भी अपनी कॉपी पर। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है जोग फॉल इन कर्नाटका इज लोकेटेड ओवर विच रिवर। कहता है कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, कहता है किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, सरावती या फिर कृष्णा। तो ये सरावती नदी पर स्थित है, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कहता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो पूरे कंप्यूटर को या फिर जो पूरे फोन को चलाता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, OS भी बोलते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पूरे सिस्टम को, अगर किसी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी ऐप्स नहीं चलेगा। तो ऐप्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलते हैं। जैसे आप मोबाइल में देखो तो कोई एंड्रॉयड मोबाइल होता है, कोई आपका जावा मोबाइल होता है, तो उनके अंदर फिर ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। तो जितने भी ऐप्स होते हैं आपके, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। लैपटॉप में आप देखो तो अबंतु होती है, लिनक्स होती है ना, मैक होती है, विंडो होती है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड है, विस्टा है, iOS भी है, ओपेरा नहीं है। ओपेरा क्या है, ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, जिनके अंदर हम चीज़ों को सर्च करते हैं, और जिसमें हम सर्च करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। जैसे आपका याहू है, गूगल है, बींग है, ये क्या है, सर्च इंजन है। और जैसे ओपेरा है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है, ये सब आपके वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है द फोक डांस बोहाग बिहू इज पॉपुलर है। कहता है जो बिहू नृत्य है, यानी बोहाग बिहू है, बिहू जो था 3 प्रकार का होता है। तो ये सब कहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाते हैं, तो वही पूछ रहा है आपसे कहाँ पर मनाते हैं वो। कहता है लोक नृत्य फोआग बिहू कहाँ पर प्रचलित है, असम में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में। तो पता है को बिहू जो है आपका, ये असम का शास्त्र, असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइबर इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट। कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किन तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, नायलॉन 66, टेरीलॉन, केवलर या फिर लेक्सन का। तो किसका प्रयोग करते हैं, केवलर का प्रयोग करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया गेट वाज डिजाइंड, यानी इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन है फ्रैंक लॉयड राइट, सर एडविन ल्यूटियंस ने, फ्रैंक गहरी ने या फिर गहा ताहिर। तो किसने तैयार किया था, सर एडवांस ल्यूटियंस ने इंडिया गेट को तैयार किया था, डिजाइन तैयार किया था। इंडिया गेट कहाँ पर, ये कहाँ पर, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। तो फिनॉल, एथेनॉल, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो फिनॉल को हम जानते हैं कार्बोनिक एसिड के रूप में। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स ग्रुप जो है आपका, ये आपको पता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के नाम से बना हुआ है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो ब्राजील है, रसिया है, चाइना भी है ना, इंडोनेशिया नहीं है, तो यही सही ग्रुप। देखिए, ब्रिक्स ग्रुप में कई सारे अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन के मतलब कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो, उनकी जो सदस्यता है वो 1 जनवरी 2024 से चालू होगी। जब वो ऐड हो जाएंगे तो उनको हम आगे देखेंगे, अभी इसमें 5 ही लोग हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विथ विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। कहता है भारत जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आपको सुनने में, देखने में लगता होगा चीन के साथ साझा करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। भारत जो है सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश से साझा करता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096, मतलब 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है एन इंडियोमीटर मीजर। कहता है यूडोमीटर किसका मापन करता है, वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस का, आयतन का या फिर वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का। तो ये किसका मापन करता है, ये करता है गैस के आयतन का, यूडोमीटर। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर। निम्न किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कुकर में सीटी लगी हुई होती है, अगर कुकर में सीटी ना लगी हुई है तो कुकर फट जाएगा एक टाइम पे। उसी प्रकार से अगर पृथ्वी में ज्वालामुखी नहीं होंगे तो पृथ्वी अंदर से कहीं ना कहीं से फट जाएगी। तो उससे अच्छा प्रकृति ने अपने लिए सुरक्षा वाल्व बना रखे हैं।
है ना, तो वो कौन है? भूकंप है कि ओजोन गैस है या फिर ज्वालामुखी या फिर नदियां, तो कौन है? ज्वालामुखी, वेलकेनो। वेलकेनो पृथ्वी में एक प्रेशर का काम करते हैं, यानी जिस प्रकार से कुकर में सीटी काम करती है उसी प्रकार से पृथ्वी में ज्वालामुखी काम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, C60 या फिर मीथेन। तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मीथेन इसका अपर रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है, गैस यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, हीलियम, ऑर्गन या क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन। तो हम इसमें प्रयोग करते हैं रेडॉन गैस। ठीक है, रेडॉन आपको पता भी होगा, जब भी भूकंप आने वाला होता है ना, तो पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पीरियर, कृष्णा प्रथम, ध्रुव या दंती दुर्ग, अमोघवर्ग। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कहता है हु प्रेजेंटेड दैट ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तथा ये किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जीव जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन आपके सामने, सीडन एंड स्वान ने, विरचाऊ ने, जेई पुरकिंजे ने या फिर लिवेन हॉक ने। तो किसने कहा था? ये कहा था स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन एंड स्वान का कोशिका सिद्धांत है, बताते हैं कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ फेडरल फॉर्म द गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार का एक शाखा नहीं है, जुडिशियरी, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका या फिर मीडिया। तो कौन सा? नहीं, मीडिया नहीं, मीडिया को हम फोर्थ पिलर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मीजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये हमने कल भी पढ़ा था है ना, कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, डायगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमेटोमीटर या फिर साइनोमीटर। तो क्या बोलते हैं? क्रायोमीटर। ठीक है, क्रायोमीटर यानी निम्न ताप मापने वाले को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन, जो केरल की जो बालू है समुद्र तट की, वहां पर किस चीज की भरपूर मात्रा पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या फिर मैग्नीशियम। तो केरल की जो मोनोजाइट बालू है, केरल में मोनोजाइट बालू मिलती है, वहां पर थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है केरल की मोनोजाइट बालू में, इसलिए वहां पर खनन किया जा रहा था, लेकिन प्राकृतिक चीजों की वजह से वहां पर बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कहता है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री, सोलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता। तो देखिए जो देश का होता है, जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, देश का जो विधिवक्ता होता है यानी सरकार का जो वकील होता है वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी कौन सी है, चक्री धमनी, गुर्दे की धमनी, यकृत धमनी या फिर महाधमनी। तो कौन सी? महाधमनी। अगला क्वेश्चन कहता है बिल्डअप ऑफ विच एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रम्प्स, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल का निर्माण कारण हमारी पेशियों में ऐंठन यानी उत्पन्न होती है। तो जिसमें आप काम करते गए फिर आपको थकावट लगने लगती है ना, तो कौन सा अम्ल जमने लगता है, तो लैक्टिक अम्ल, पाइरूबिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल जमने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, इस कारण हमें थकावट लगने लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद, आर्थिक विकास आमतौर पर भरना यहाँ पर आपको के साथ युग्मित है, आर्थिक विकास होता है किसके साथ युग्मित होता है, इनके साथ जोड़ा जाता है, अवस्फीति, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हम इसे जोड़ते हैं मुद्रा स्फीति के साथ, इन्फ्लेशन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट रिलेटेड टू कांग्रेस सोसाइटी पार्टी, ऑप्शन है आपके सामने, कहता है आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। कहता है निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी समाजवादी दल संबंधित नहीं था, तो सुभाष चंद्र बोस संबंधित नहीं थे इनसे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है द अपेक्स बॉडी ऑफ फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर आर एलाइड फील्ड्स इज, कहता है कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सी है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कोऑपरेशन, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है कि रिसर्च करने के लिए जो है इंडियन कल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये रिस्पॉन्सिबल है, बट जो आपके लोन देती है, लोन किसानों को लोन प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ी संस्था कौन सी? नाबार्ड है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। सब लोन देने के लिए ये वाली बैंक है, ठीक है, और रिसर्च करने के लिए ये अनुसंधान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आफ्टर द डिक्लाइन द पाल्स विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन रूल इन बंगाल। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश, गौड़ वंश, इलियस वंश या फिर गणेश वंश। तो किसने स्थापित किया था? सेन वंश ने। आपने सुना होगा सामंत सेन ने सब पेड़ वेड़ कटवा दिए थे बौद्ध धर्म के, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है द डिफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256 में। तो जो धन धन विधेयक है उसकी परिभाषा किस में दी गई? अनुच्छेद 110 में दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक पारित कैसे होगा, ये प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन यूरिन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है? ब्लड प्रोटीन्स, क्रिएटिनिन, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रक्त प्रोटीन, क्रिएटिनिन, लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो क्या पाया जाता है? क्रिएटिनिन जो होता है ये सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म ए फर्म डजंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस। कहता है निम्न में किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? मोनोपोली, एकाधिपत जहाँ पर एक लोगों का सब कुछ होता है, परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण स्पर्धा जहाँ पर होती है, ओलिगोपोली अल्पाधिकार जहाँ पर अल्प लोगों का अधिकार होता है, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन एक अधिकार प्रतियोगिता। तो ये वहाँ पर गलत साबित हो जाता है जहाँ पर होता है पूर्ण स्पर्धा होती है, वहां पर कीमतें नियंत्रित नहीं कर पाते, कोई कितने का बेच रहा है, कोई कितने का बेच रहा है, कोई कितने का बेच रहा है ना। जैसे भारत में आप देखो तो पूर्ण स्पर्धा है, यहाँ पर किसी एक का अधिकार नहीं है। कहता द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड इन, कहता राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? अपॉइंटमेंट इन चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में यहाँ पर सीमित नहीं है, वो कर सकता है। डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, मंत्रालय की बर्खास्तगी में नहीं, वो किसी को भी बर्खास्त कर सकता है राज्य में। डिसॉल्वेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को भंग कर सकता है, कर सकता है। असाइंड इन ए बिल, विधेयक की अनुमति स्वीकृति देना। तो किसी किसी विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं दे सकता, उसे राज्य उसे राष्ट्रपति सलाह लेनी पड़ती है, वो विधेयक कभी कभी राष्ट्रपति से पारित होता है, तो यहाँ पर उसकी सीमित है। अगला क्वेश्चन कहता है ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू ए वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग विथ ए, कहता है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? समांतर उच्च प्रतिरोध के साथ, समांतर निम्न प्रतिरोध के साथ, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ, श्रृंखला में निम्न, यहाँ पर निम्न होगा निम्न प्रतिरोध के साथ। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो श्रृंखला में हम उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज के साथ जोड़कर हम उसे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट, कहता है ये निर्णय लेने का अधिकार किसका, वो है कि कोई बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं है, यानी धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। तो ये अधिकार होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के सभापति जो होता है उसके को ये अधिकार होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वही बताता है। अगला क्वेश्चन कहता है द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत उदाहरण है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एशियंट माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन, परदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, प्राचीन पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत। तो ये उदाहरण है फोल्ड
कोल्ड माउंटेन का, कोल्ड माउंटेन वे होते हैं जो अभी नए बने हुए हैं और दबने से बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई स्तर है और यहाँ से भी दब रहा है ना, और यहाँ से भी दब रहा है, तो इससे बना है हमारा कोल्ड माउंटेन। आपके जैसे रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है, ये सभी फोल्ड माउंटेन हैं। इसके बाद ब्लॉक माउंटेन जो है आपके, ये है आपका अरावली है, सतपुड़ा, अरावली नहीं सतपुड़ा है और विंध्याचल है, ये आपके ब्लॉक माउंटेन है। एंशियंट माउंटेन यानी प्राचीन पर्वत अरावली है। रेजिडुअल माउंटेन भी आपका अरावली ही है। अगला क्वेश्चन कहता है, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाई, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो ये अनकंट्रोल चेन यानी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु प्रस्फोटन जो प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस्ड ए हार्मोन सेल। कहता है थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं थायरोक्सिन, थाइमोसिन, थायरोनिन या फिर कैल्सिटोनिन, उसे हम बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। अगला क्वेश्चन कहता है, विच एटमोस्फियरिक लेयर कंटेन ओजोन लेयर। कहता है वायुमंडल में कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? जेनोस्फियर, ये कोई परत ही नहीं होती है। जेनोस्फियर, ये भी कोई परत नहीं। स्ट्रेटोस्फियर, ये परत होती है आपकी। और आयनोस्फियर, ये परत होती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में हमें वायुमंडल की परतें यानी ओजोन परत देखने को मिलती है। सबसे पहले आपकी आती है ट्रोपोस्फियर, है ना, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपकी मेजोस्फियर, फिर आपकी आयनोस्फियर, फिर आपकी एक्सोस्फियर। ठीक है, यानी क्षो मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। आगे कहता है, कौन सा हार्मोन्स हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है? विच हार्मोन्स कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बोन्स, एसटीएच, टीएसएच, जीटीएस या फिर एलटीएच। तो हार्मोन्स जो होता है आपका एसटीएच, एसटीएच कंट्रोल करता है हड्डियों की वृद्धि को। अगला क्वेश्चन कहता है, द डेमोक्रेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर्स, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द ड्रामेटिक टिकेट, द इंदिरा गांधी ईयर्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन कहता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में सामान्य रूप में पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में सामान्य रूप में पाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? ए कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल डेडिकियस फॉरेस्ट, यूकेलिप्टिस, ऑर्किड, चीड़ या फिर सागौन। तो कौन सा? सागौन मिलता है हमें उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। अगला क्वेश्चन कहता है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? गुड्स विच आर मीन्ट आइदर ऑफ कंजप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने, अंतिम वस्तुएं यानी फाइनल गुड्स, गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स, निम्न स्तरीय वस्तुएं, इन्फीरियर गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। तो उन्हें हम क्या बोले, उन्हें हम बोल देंगे अंतिम वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं आपके ऐसी वस्तु होती हैं जिनमें आपका दाम बढ़ने पर उनकी मांग बढ़ती है और दाम घटने पर उनकी मांग गिर जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है, लाल भूरा ओरंगुटन वर्षा वन किन जंगलों में पाया जाता है? द रेडिस ब्राउन ओरंगुटन इज फाउंड ओनली इन द कंपेरेटिवली आइसोलेटेड रेन फॉरेस्ट, बोर्नियो और सुमात्रा में, मेडागास्कर और बोर्नियो में, मेडागास्कर और उत्तरी सुमात्रा में, दक्षिण अफ्रीका और बोर्नियो में। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें बोर्नियो और उत्तरी सुमात्रा में। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का पार्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री ने हाल ही में एक किताब लॉन्च की है, बॉलीवुड द फिल्म्स, द सॉन्ग, द स्टार्स, जो मुंबई में भारतीय सिनेमा पर आधारित है? तो ये पुस्तक जो लिखी गई, ये पुस्तक लिखी गई अमिताभ बच्चन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाउ डेज येलो लैंप आर यूज्ड इन लाइट स्ट्रीट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन दोज लैंप। तो उस गैस उसमें कौन सी लैंप यूज करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या फिर नियॉन नाइट्रोजन। तो ये आपके हो, क्या होते हैं? ये आपके सोडियम लैंप होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम लैंप। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अम्ल रबड़, वस्त्र, रंगाई, चमड़ा एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग में उपयोग में आता है? विच एसिड इज यूज इन रबड़, टेक्सटाइल, लेदर एंड इलेक्ट्रो प्लांट प्लाटिंग इंडस्ट्रीज, एथेनॉइक अम्ल, मेथनॉइक अम्ल, मेलोनिक अम्ल या फिर ब्यूराइट अम्ल। तो कौन सा अम्ल प्रयोग में आता है? मेथोनोइक अम्ल। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं सारे? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड्स रिलीज विच हार्मोन्स?
तो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलाटोनिक, एमएसएच, एफएसएच, एलएच। तो मेलाटोनिक अम्ल जो है पीनियल ग्रंथि रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन कहता है सुगारू जल संयोजक निम्न में से किसके बीच स्थित है? सुगारू स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ सुगारू लाइंस बिटवीन। सुगारू जल संधि जो है किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैकोडा होन्सु, होन्सु एंड सिकोकू, होन्सु एंड क्यूशु, क्यूशु एंड सिकोकू। जो सुगारू जल संधि है वो आपके स्थित हैकोडा और होन्सु। ये जापान के बड़े बड़े द्वीप हैं, जापान के चार बड़े बड़े द्वीप हैं, हैकोडा, होन्सु, सिकोकू और क्यूशु। तो हैकोडा और होन्सु के बीच है सुगारू जल संधि। अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग नियर नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। कहता है निम्न में कौन भारत कौन सा पड़ोसी देश जो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। तो कौन करता है? वर्तमान में अफगानिस्तान करता है। अगला क्वेश्चन कहता है हु सेड दैट एट दैट टाइम व्हाइल द एंथुसियास्ट ऑफ पब्लिक वाज़ द पीक ऑर्डरिंग द रिटर्न वाज नॉट लेस देन द नेशनल मिसफॉर्च्यून। उस समय जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। ये तब की बात है जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला ले लिया था। तब किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, हिटलर ने या फिर पोरस ने? ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर देखिए जो कथन है ये कथन जवाहरलाल नेहरू का नहीं, सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने ये कथन कहा था। इसके बाद हम आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है हु पॉइनर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इयान डोनाल्ड ने, ए लेवरन ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो किसने की थी? इयान डोनाल्ड ने की थी। अगला कहता है क्वेश्चन पृथ्वी की सतह से प्रतिबिंब के कारण ऊर्जा की हानि क्या है? कहता है व्हाट द लॉज ऑफ एनर्जी ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कार्ड। समुद्री प्रभाव, मैरिटाइम इन्फ्लुएंस, महाद्वीपीय प्रभाव, कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस, एल्बिडो, भूमंडलीय ऊष्माकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग। जब पृथ्वी की सतह पर प्रकाश आता है और वो वापस लौट जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है चार्ल्स ला निम्नलिखित में से कौन किन दो के बीच संबंध की व्याख्या करता है? चार्ल्स ला डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन मात्रा और ताप, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच, मात्रा और ताप, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच, दबाव और तापमान, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच, मात्रा और अणुओं की संख्या यानी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिकुलर के बीच। तो ये डिफाइन करता है मात्रा और तापमान के बीच, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच। अगला क्वेश्चन कहता है लास्ट, कहता है भारत में हाल में प्रारंभ किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण सम्मिलित नहीं किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट हैज नॉट बीन इंक्लूड एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टार्टेड इन इंडिया। सूक्ष्म विषाक्त पदार्थ यानी पर्टिकुलर मैटर्स, इसे हम बोलते हैं PM10 बोलते हैं, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी सामने ओजोन को शामिल नहीं किया गया है। तो ये हमने 50 जो MCQ में वो सॉल्व किए हैं, इसकी जो PDF टेलीग्राम पर चैनल मिल जाती है तो वहाँ से डाउनलोड करें और इसको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना, यही सभी एग्जाम में आने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।